जिले के सनौदा थाना अंतर्गत चना टोरिया के पास स्टोन क्रेशर के लिए मिट्टी खुदाई के बाद बने गड्ढे के पानी में शुभम पिता राजू पटेल 14 वर्ष के डूबने से एक बालक की मौत हो गई। बालक के डूबने की सूचना पाकर स्थानीय लोगों ने तुरंत पानी में उसकी तलाश की। बड़ी मशक्कत के बाद बालक का शव गड्ढे से बाहर निकाला जा सका। मौके पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा 2 दिन पहले स्टोन क्रेशर के मामले में राज्य शासन व जिला प्रशासन को नोटिस जारी किया गया था। सागर से SN की रिपोर्ट। मामला है, सूचना मिली थी कि एक बच्चा क्या भटुआ एक क्रेशर के पास डूब के खत्म हो चुका है, जिसकी रिपोर्ट पर से हम लोग आए हैं। देहाती मर्गेंटिमेशन ले रहे हैं, देखते हैं जांच का विषय है, जांच करके PM के लिए भेज रहे हैं। अच्छा, ये गड्ढा क्रेशर वालों का है या किसका है? अब वो देखते हैं, आगे जाके पूछताछ करेंगे किसका है ये गड्ढा। 4 बच्चे नहा रहे थे, एक बच्चा डूब के नहाते में खत्म हो गया। PM के लिए भेजते हैं।